करते हैं इग्निशन ऑन, देखते हैं जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो अब कर रही है या नहीं कर रही। तो ठीक है फ्रेंड, फ्यूल गेज पूरा जी। सत श्री अकाल, नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये मारुति स्विफ्ट गाड़ी है, 2013-14 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम इसका जो फ्यूल गेज की लो की लाइट होती है वो ब्लिंक कर रही है। दिखाते हैं आपको फ्यूल गेज की लाइट जो ब्लिंक कर रही है, और डीजल भी बिल्कुल ज़ीरो बता रही है। कस्टमर का ये प्रॉब्लम है, इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है और डीजल नहीं बता रही गाड़ी में कितना है। तो डीजल टैंक इसका फुल करवाया हुआ है कस्टमर ने, तो ये फिर भी सुई इसकी बिल्कुल नीचे पड़ी है और लो लाइट फ्यूल गेज की लो की लाइट ब्लिंक कर रही है। ये देख सकते हैं कस्टमर का ये प्रॉब्लम है, तो आज करेंगे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स। तो ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं पीछे वाली टाकी में राइट साइड की। तो यहाँ से ये कवर सीट वगैरह उठा लेनी है, और यहाँ से ये फ्यूल गेज का कनेक्टर होता है लगा, तो कवर वगैरह निकाल लेने हैं। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ ये फ्यूल गेज का कनेक्टर लगा होता है। ये देखो चूहे ने यहाँ कचरा वगैरह काफ़ी खिलारा पड़ा, और ये देखो यहाँ से चूहे ने तार फ्यूल गेज की काट दी है, ये रेड कलर की। तो ये हमें इसकी प्रॉब्लम मिल गई है, जो इसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी। ठीक है फ्रेंड, ये रेड कलर की तार होती है फ्यूल गेज की, और ये येलो कलर की। तो चार तार जाती है जहाँ चार तार का कनेक्टर होता है, तो चूहे ने यहाँ से तार काट दी है। तो अब इस तार में लगाते हैं जॉइंट, जे जो इसका लो लाइट बता रही थी डीजल, ये यही प्रॉब्लम थी। इस तार को करते हैं फिक्स, फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। ये वायरिंग पूरी अच्छी तरह से इसको रिपेयर करेंगे, पहले कहीं किसी ने यहाँ से रिपेयर वगैरह नहीं की, ये वैसे ही छोड़ी पड़ी है। तो ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, आ दो तारा फ्यूल गेज दी हैं, रेड तो येलो, आ पिंक तार मोटर दी फ्यूल पंप दी, ते ब्लैक तार ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, रेड तो येलो पतली तार फ्यूल गेज, पिंक तार फ्यूल पंप दी 12 वोल्टेज, ते अपना ग्राउंड ब्लैक कलर। ते अपनी प्रॉब्लम निकली है, वायरिंग चूहे ने कट कर दी है, ते हुणे करदे आं आपां रिपेयर। इहदे विच पौणे तार दा जॉइंट। लो भी फ्रेंड, हमने इसके एक तार का पीस डाल कर तो इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो तार को अच्छी तरह से टेप करके तो फिक्स कर दिया है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ से जोड़ लग गया है और यहाँ जोड़ लग गया। तो अब करते हैं इसको पूरी को टेप, तो फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो, फिर देखते हैं जो लाइट ब्लिंक कर रही थी लो फ्यूल की, तो वो अब लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया है। ठीक, दिखाते हैं आपको। वायरिंग को पूरा अच्छी तरह से टेप कर दिया है, यहाँ से पूरी वायरिंग पूरी ख़राब हुई पड़ी थी, टेप वगैरह नहीं की हुई थी पहले किसी ने, तो अब यहाँ से भी टेप हो गई। तो अब देखते हैं इसकी जो लाइट ब्लिंक कर रही थी फ्यूल लो की, तो करते हैं इसको बंद। करते हैं इग्निशन ऑन, देखते हैं जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो अब कर रही है या नहीं कर रही। तो ठीक है फ्रेंड, फ्यूल गेज पूरी ऊपर उठ गई है। कस्टमर ने डीजल इतना डलवा दिया कि कह रहा था भी शायद डीजल ही कम हुआ इस करके या लाइट ब्लिंक कर रही है। तो देखो अब फ्यूल गेज पूरी ऊपर उठ गई है, फिर करते हैं ऑन। ठीक है फ्रेंड, जो फ्यूल लो की लाइट आ रही थी वो बिल्कुल अब ओके हो गई है। तो फ्यूल इस गाड़ी में पूरा टैंक फुल है। ठीक है फ्रेंड, अब ये लाइट लो की ब्लिंक कर रही थी जो वो प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका एक भी लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है आपके एक लाइक से। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दबा कर।